नमस्कार दोस्तों, गहलोत मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की आज बैठक हुई जिसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख सकते हैं 25 साल की सर्विस पूरी करने पर अब मिलेगी पूरी पेंशन, कार्मिकों की स्पेशल पे में होगी वृद्धि। आप देख सकते हैं, मैं बता दूं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में, अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की जो भर्तियां हैं, जिसकी जो रिक्तियां हैं वो 3 साल तक फॉरवर्ड हो सकेगी। साथ ही कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के समान मिलेगा वेतनमान और पदनाम। मैं बता दूं 6 जून 2023 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें कार्मिकों के हित में पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल पे, पदनाम के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही विभिन्न समाजों को छात्रावास के लिए भूमि आवंटन का भी निर्णय लिया गया। सबसे पहले जो डिसीजन है वो है कि 25 साल की सर्विस पूरी करने पर पेंशन का पूरा लाभ मिल सकेगा। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसमें कार्मिक को 28 वर्ष की अहकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति होने पर पूर्ण पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही 75 वर्ष के पेंशनर पारिवारिक पेंशन को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता भी प्राप्त हो सकेगा। साथ ही कार्मिक या पेंशनर की मृत्यु होने की दशा में विवाहित निःशक्त पुत्र और पुत्री को 12,500 रुपये प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। और यह संशोधन जो है 1 अप्रैल 2023 से प्रभावित है। तो दोस्तों, यानी कि अब अगर आपने 25 साल काम कर लिया, सर्विस कर ली, तो आपको पूरी पेंशन मिलेगी। साथ ही कार्मिकों को स्पेशल पे में भी वृद्धि यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी यहाँ पर दी है। इससे कार्मिकों के विशेष भत्ते, जो विशेष वेतन है, स्पेशल पे में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने बजट 2023-24 के में संबंध में घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्तमान में दे स्पेशल अलाउंसेज और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंसा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों, लंबे समय से कर्मचारी यहाँ पर इस नियम को रिवाइज होने की बात जो रहे थे, और इसमें मंत्रिमंडल ने आज अनुमोदन कर दिया है। राजस्थान सिविल सेवा पुनरक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जो रिक्तियाँ हैं वो 3 साल तक फॉरवर्ड हो सकेगी। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को मिलेगा अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से अभियोजन सेवा में अब मिलेगा और एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर। इसी प्रकार से जो कार्य प्रभारित जो कार्मिक हैं, अब नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान और पदनाम मिलेगा। आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरक्षित वेतनमान नियम 1989, 1998, 2008 और 2017 में संशोधित कर कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान और पदनाम देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 4 सेवानियम में कार्मिक विभाग की अधिसूचना को शामिल किया है। आप देख सकते हैं 4 सेवानियमों की जो अधिसूचना है उसको अनुमोदन किया है। मंत्रिमंडल ने कार्मिक विभाग की अनुसूचित जाति जनजाति की रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में 17 जनवरी 2013 को जारी अधिसूचना में राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा भर्ती और अन्य सेवा शर्तें नियम 2001, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम 2013, राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम 2015 को शामिल करने का निर्णय लिया है। साथ ही आयुर्वेद महाविद्यालय दौसा का नामकरण पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम पर किया गया है। साथ ही विभिन्न जो छात्रावास हैं उनके लिए भूमि का आवंटन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई गहलोत जो है, मैं बता दूँ सीएम गहलोत की अध्यक्षता में, उनमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला जो डिसीजन है कि 25 वर्ष आपने अगर सेवा काल किया है तो पूरी पेंशन मिलेगी। पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 में संशोधन को मंजूरी मिली है, यानी कि कार्मिकों को अब स्पेशल पे मिलेगा, स्पेशल जो पे है उसमें वृद्धि होगी। पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां
तीन साल तक फॉरवर्ड हो सकेगी। साथ ही कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान का लाभ मिलेगा। चार सेवा नियम जो है उसको में संशोधन को मंजूरी मिली है, जिसमें विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम 2015, मदरसा शिक्षा सहायक जो सेवा नियम 2013 समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।